Praise the name of the Lord. Hallelujah. Greetings to all of you in Jesus' wonderful name. Hallelujah. Though this is a muggy day, but absolutely this is the day that the Lord has made. We will rejoice and we will be glad in it. Hallelujah. So today I am starting a new series called Mystery Babylon. It is very deep, very profound, and in-depth study of God's Word. And we are going to delve deeper and get to the very roots of the Word of God. Mystery Babylon. Hallelujah. इसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे, इसकी गहराई में, इसकी जड़ों में जाके परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे. The history, the origin, and the future of this term that is used in the Bible from the book of Genesis and it goes all the way till the book of Revelation. उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक पूरी बाइबल में यह शीर्षक है, मिस्ट्री बेबलॉन. हालेलुया, रहस्य में बेबलॉन. प्रकाशित वाक्य में तीन बेबलॉन का जिक्र है, लेकिन अभी मैं आपको मिस्ट्री बेबलॉन की ओर लेके चलता हूं और हम सब मिलके उन सभी चीजों को अनफोल्ड करेंगे, इटिमोलॉजिकल स्टडी करेंगे, हिब्रू, ग्रीक, लैटिन के अंदर जाएंगे, ओरिजिनल टेक्स्ट के ऊपर मेडिटेट करेंगे, असली पांडुलिपियों के ऊपर अध्ययन करेंगे, हिस्ट्री में जाएंगे, हिस्टोरिकल एविडेंसेस को खंगालेंगे और हम आर्कियोलॉजी की स्टडी करेंगे, पुरातत्व विज्ञान को हम खोजेंगे और कई और रेलिक्स का अध्ययन करेंगे, कई और रिसोर्सेस के पास जाएंगे और हम भाइयों बहनों बाइबल से वाबस्ता सभी कल्चर, सभी सिविलाइजेशन, सभी नेशंस उनका अध्ययन करेंगे एंड वील गो इन टू डिफरेंट टाइम्स एज वी स्टडी ऑन द मिस्ट्री बेबलॉन. हालेलुया. मिस्ट्री बेबलॉन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बाइबल में, वेरी वेरी डीप सब्जेक्ट एंड वेरी वाइटली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि बाइबल में ये 300 बार मिस्ट्री बेबलॉन शब्द आया, 300 टाइम्स बेबलॉन शब्द आया है. इससे ज्यादा बाइबल में जो शब्द आया है, किसी शहर का नाम आया है, वो है जरूसलम. हालेलुया. बाइबल में असल में दो शहरों की कहानी है. एक शहर है बेबलॉन, जो कि मनुष्य का शहर है, जिसको बनाने वाला, जिसको बसाने वाला इंसान है. और एक शहर है यरूशलम, जिसको बनाने वाला, जिसको बनाने वाला स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा है. ये दो शहरों की आपस में लड़ाई है, स्पिरिचुअल संग्राम है जो बाइबल में हम देखते हैं. तो मैं आपको वचन देता हूं, उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय में मैं शुरुआत करता हूं. उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय और मैं आपके लिए पढ़ता हूं उसके पहले वचन से, सुनिए. नाउ द होल अर्थ हैड वन लैंग्वेज एंड द सेम वर्ड्स एंड एज पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम ईस्ट दे फाउंड अ प्लेन इन द लैंड ऑफ शाइनार एंड सेटल्ड देयर. सभी जमीन पे एक जुबान है, एक भाषा है, जमीन पे रहने वाले सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो गए हैं, सब मिलके एक जगह इकट्ठा हो गए हैं. दे ऑल सेटल्ड इन द लैंड ऑफ शाइनार. शिनार जो है ये मॉडर्न इराक है, जिसे हम इराक का देश बोल देते हैं, पर्शिया बोल देते हैं, जिसमें ईरान और इराक दोनों का शुमार आता है. वो जमीन है जहां पे लोग इकट्ठा हो गए एंड दे सेड वन टू अनदर, कम लेट अस मेक ब्रिक्स एंड बर्न देम थोरली एंड दे हैड ब्रिक्स फॉर स्टोन एंड बिचुमन फॉर मोर्टर. दे सेड कम लेट अस बिल्ड अवरसेल्व्स अ सिटी हूज टावर विद इट्स टॉप इन हेवंस एंड लेट अस मेक नेम फॉर अवरसेल्व्स. लोग इकट्ठा होके आपस में सभी यूनिटी करते हैं, एका करते हैं और सब मिलके क्या कहते हैं, आओ हम अपने लिए शहर बनाए. ये शहर इंसान बना रहे हैं अपने लिए और एक बुर्ज जो बना रहे हैं, ज़िगरोट जो वर्ड है हिब्रू, ज़िगरोट, वो ऐसा बनाना चाहते हैं जिसकी चोटी हेवन से बात करे. इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के 10 से 12 वचन में लिखा है,
उन प्रधानताओं, हुकूमतों, इख्तियारों के विषय में और शैतानी सेनाओं के विषय में जो कहाँ पे हैं, आसमानी मुकामों में है, सेकंड हेवन में। अगर आप वचन का ध्यान से अध्ययन करेंगे, हालेलुया, उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन करेंगे आप ध्यान से, तो उसका उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय का 14 वचन, जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 एंड वर्स नंबर 14। मार्क दिस, इस आपको आवाज नहीं आ रही मेरी, बताइए आवाज आ रही है या नहीं। हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है या नहीं, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हालेलुया, अभी आपको आवाज आ रही है मेरी, हेलो, अभी आपको आवाज आ रही है, ओके, होल्ड, एक सेकंड होल्ड कीजिए, आवाज आ रही है अभी आपको, हेलो, मेरी आवाज आ रही है अभी आपको, हेलो, ओके, होल्ड करें जरा। हेलो, अभी आपको आवाज आ रही है, हेलो, हेलो, अब आपको आवाज आ रही है मेरी, ऑलराइट, हालेलुया, क्लियर है, थैंक यू जीसस। मेरे सभी हेडफोन, 3-4 हेडफोन खराब हो गए बारी बारी, और ब्लूटूथ भी खराब हो चुके हैं, थैंक यू जीसस। तो सुनिएगा ध्यान से, दो शहरों की कहानी है बाइबल में, एक है यरूशलम, ऐसा स्वर्गीय शहर जिसको बनाने वाला यहोवा है, और एक पृथ्वी का शहर है जिसको बनाने वाले इंसान हैं, और 11 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में वो शहर बना रहे हैं। लेकिन मैं आपको उत्पत्ति 1:14 में से एक वचन दे रहा हूँ, पढ़िए ध्यान से, एंड गॉड सेट लेट देयर बी लाइट इन द एक्सपेंस ऑफ हेवन्स टू सेपरेट द डे फ्रॉम द नाइट एंड लेट देम बी फॉर साइन एंड सीजन्स फॉर डेज एंड फॉर ईयर्स। 14 वचन में लिखा है लेट देयर बी लाइट इन द एक्सपेंस, ये जो वर्ड है एक्सपेंस इंग्लिश में, उत्पत्ति 1:14 में जो शब्द एक्सपेंस है जिसे हिंदी में मुझे नहीं मालूम क्या लिखा है, लेकिन ये वर्ड हिब्रू में है रकिया। हालेलुया, थर्ड हेवन सेकंड हेवन के बीच में ये जगह है, थर्ड हेवन जो परमेश्वर का सिंहासन है और सेकंड हेवन उसके बीच में जगह है रकिया, फर्मामेंट इंग्लिश में लिखा है, एक्सपेंस या फर्मामेंट। हालेलुया, तो अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़े ध्यान से, पहला अध्याय, तो उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय में लिखा है कि उस समय बारिश नहीं होती थी, और उत्पत्ति की पुस्तक को अगर पहले अध्याय को ध्यान से पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है प्रभु यहोवा ने पृथ्वी के पानियों को आकाश के पानियों से अलग किया। तो प्रभु के वचन में ये लिखा है कि जैसे समुद्रों के अंदर विशाल पानी था पृथ्वी पे और है, ऐसे ही पानी का गलियारा था आकाश में, कैनपी थी, जैसे समुद्रों में पानी ऐसे आकाश में पानी, पूरे आकाश मंडल में। लेकिन नूह के समय जब जल प्रलय हुआ
तो वचन में लिखा है भूमि के सोते फूटे और आकाश से सारा वो पानी जो था, जो ऊपर था समुद्रों की मानंद पानी, वो नीचे आ गया। वरना 40 दिन की बारिश से, अभी भी पृथ्वी पर 40 दिन से ज्यादा बारिश होती है, 40 दिन की बारिश से भाई और बहनों माउंट एवरेस्ट की चोटी डूब नहीं सकती। तो ऊपर से सारा पानी नीचे आ गया, एक्सपेंस फर्मामेंट रखिया खाली हो गया। और अगर हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री, वहां पे प्रेरित पौलुस बताता है इफिसियों की पत्री 6:10 से कि वो जो रखिया जो एक्सपेंस था, उस खाली जगह पे शैतानी आत्माओं का वास है आज। और ये जो बुर्ज बना रहे हैं, टावर बना रहे हैं 11 अध्याय में, ये क्या कहते हैं 4 में, 11:4 में, देन दे सेड कम लेट अस बिल्ड अस सेल्स अ सिटी, लेट अस बिल्ड अस सेल्स अ सिटी, ये अपने लिए शहर बना रहे हैं। इनके जीवन में परमेश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है। सारी मानव जाति को एक अगुए ने इकट्ठा किया है पृथ्वी पे, एक उनका लीडर है। उत्पत्ति की पुस्तक जेनेसिस चैप्टर नंबर 10 और उसके 9 में 8 से पढ़ता हूँ, उत्पत्ति 10:8 से, कूश फादर निमरोद एंड ही वॉज द फर्स्ट ऑन द अर्थ टू बी अ माइटी मैन। कूश से कौन पैदा हुआ? निमरोद पैदा हुआ, और वो क्या है? माइटी है। इसका मतलब है हिब्रू वर्ड है गिबरीन। वो मनुष्य जैसा नहीं है, असल में दैंतों जैसा है। और आगे 9 में लिखा ही बिगैन टू बी अ माइटी हंटर बिफोर द लॉर्ड। हिंदी में लिखा है शिकारी हुआ, बिगैन टू बी अ माइटी हंटर बिफोर द लॉर्ड। लेकिन जब आप हिब्रू अध्ययन करते हैं, हिब्रू में ये जो वचन है ये एक नेगेटिव, वो जो शिकारी बना यहोवा के आगे एक नेगेटिव ढंग में, वो मनुष्य की सोल का शिकार करने लगा। और जो वर्ड है ना बिगेन टू बी इंग्लिश में, वो हिब्रू वर्ड है हलाल, जिसका मतलब कि निमरोद ने अपने आप को ट्रांसम्यूटेट किया, जेनेटिकली अपने आप को मॉडिफाई किया उसने। ही वॉज ए गिबरीन, उसने अपने आप को जेनेटिकली मॉडिफाई किया, उसने अपने डीएनए को एडिट किया, रीसीक्वेंस किया, और वो पार्टली ह्यूमन और पार्टली नफलीन बन गया। और पृथ्वी की सब कौमों को अपनी अगुवाई में इकट्ठा किया, और उसने यहोवा के विरुद्ध रिबेलियन किया, बलवा किया स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध। हालेलुया। ये पहला वर्ल्ड ग्लोबल लीडर है। हालेलुया। कौन पहला दुनिया का सबसे बड़ा अगुआ है, ग्लोबल लीडर है? उसका नाम है निमरोद। निमरोद पे मैं आपको बहुत स्टडी आगे दूंगा। वचन बताता है कि निमरोद का डीएनए ही एंटी क्राइस्ट होगा। हालेलुया। तो भाई और बहनों, उसने शिनार को अपनी कैपिटल बनाया, यहीं पे सारी बैटल चल रही है, अंत के दिनों का युद्ध भी यही है, इसी रीजन में है। हालेलुया। तो पहला दुनिया का ग्लोबल लीडर जो यहोवा के खिलाफ रिबेलियस बंदा है, जिसने पृथ्वी की कौमों को यहोवा के खिलाफ बलवा करने के लिए खड़ा किया है, और ये नॉन जूइश बंदा है। हालेलुया। माइटी हंटर जो है ये मिस ट्रांसलेशन है, माइटी हंटर इन डिफाइंग गॉड, ही वॉज डिफाइंग गॉड ऑलमाइटी। तो इसका जगह का नाम प्रभु ने क्या रखा? बाबेल रखा। जब प्रभु आया, प्रभु ने लैंग्वेज कंफ्यूज कर दी और इसका नाम रखा बाबेल। बाब प्लस एल, बाब का मतलब गेट और एल का मतलब, एल परमेश्वर को कहा जाता था उस समय। दुनिया के जितनी सभ्यताएं थी, जितनी संस्कृतियां थी उस समय, जितने पैंथियन थे, जितने धर्म दर्शन थे, वो कस्दी हो, वो कनानी हो, वो सुमेर के हों, हित्ती जबूसी गिलगिसाइटी हो, वो सभी परमेश्वर को एल कहते थे, एलोहीम कहते थे। और कई पैंथियन में परमेश्वर का नाम एल करके आया है। अगर आप एपिक ऑफ गिलगमिश पढ़ेंगे, या आप सुमेर का कल्चर का अध्ययन करेंगे, या आप अकेडियन सिविलाइजेशन के पैंथियन का अध्ययन करेंगे, परमेश्वर को एल कहते हैं वहां पे। एल इज ए टाइटल ऑफ द स्पिरिट रेल्म। स्पिरिट रेल्म में, आत्मा की दुनिया में रहने वाले को एल कहते हैं। तो बाबेल मतलब गेटवे टू गॉड्स,
यहां से वो रास्ता बना रहे थे कि बदरुए नीचे उतरे और लोग ट्रांसम्यूटेट होके असेंड करें ऊपर और परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करें। हालेलुया। यहां पे वर्ड प्ले है, आपको मालूम बाइबल में बहुत जबरदस्त वर्ड प्ले है, पंज है, वर्ड प्ले है, इडियम्स है, फ्रेजेस है, मेटाफोरिक लैंग्वेज है। बाइबल की लैंग्वेज का अध्ययन करना ही अपने आप में एक बहुत गहरा अध्ययन है। तो वर्ड प्ले है यहां पे। बाबेल का दूसरा मतलब है गिबरिश, कबर बरा बरा बर ऐसे करके बोलना, बैबलिंग करना, गिबरिश। जिगरॉट है ये, जिगरॉट जिसे निमरोद बना रहा था। हालेलुया। आपको मालूम इसी जिगरॉट की, जो जिगरॉट का अनफिनिश्ड जिगरॉट रह गया था, उसी के ऊपर नबूकदनसर ने बेबलोन को बसाया। अगर आप गूगल सर्च करेंगे इटी मिनाकी तो आपको मिल जाएगा, इटी मिनाकी करके इसका, जिसे नबूकदनसर ने बनाया, जिसे उसने कहा फाउंडेशन ऑफ हेवन एंड द अर्थ, पृथ्वी की और जमीन की बुनियाद। और वहां पे एस्ट्रोलॉजिकल इम्प्लीकेशन थी, जो जोडियक है, जो ऊपर प्लैनेटरी सिस्टम के अंदर 12 राशियां हैं, उनको पूरा सही डायरेक्शन में रख के बनाया गया था इटी मिनाकी को। हालेलुया। शिनार क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है शिनार। आप उत्पत्ति की पुस्तक 14 अध्याय में चलिए, जेनेसिस चैप्टर नंबर 14। ये जो स्टडी है मिस्ट्री बेबलोन की, ये हमें 5 या 6 घंटे अध्ययन करना पड़ेगा, तो इसे मैंने ब्रेक किया है। आज पहला सेशन है, इसके छोटे छोटे सेशंस करेंगे ताकि आपको समझ आए। तो मैं उत्पत्ति 14 अध्याय में आपको लेके जाना चाहता हूं, जेनेसिस चैप्टर नंबर 14। उत्पत्ति 14 में आइएगा। उत्पत्ति 14 के अंदर एक लड़ाई है, अगर आप इसे गहरा अध्ययन नहीं करेंगे तो आपको यह समझ नहीं आएगी। 14 अध्याय में क्या लिखा, जेनेसिस 14 में, इन द डेज ऑफ अमराफेल किंग ऑफ शाइनार, एरियोक किंग ऑफ एलासार, किडोलामोर किंग ऑफ इलाम एंड टाइडल किंग ऑफ गोईम, दीज किंग्स मेड वॉर विद बीरा किंग ऑफ साडन, बिरशा किंग ऑफ गमोरा, शिनाब किंग ऑफ आडमा, शिमबेर किंग ऑफ जोअबीम एंड किंग ऑफ बेला विच इज जोआर, एंड ऑल दीज जॉइंड फोर्सेज इन द वैली ऑफ सिडीम which is the salt sea. 12 years they had served Kidor Laomer, but in the 13th year they rebelled. In the 14th year, Kidor Laomer and the kings who were with him came and defeated in Raphaim, in Ashtaroth, Karanim, in Zuzuim, in Ham, and Imim, in Shevet, Kirith, and Horite, in their hill country of Seir, as far as El Paran, on the border of the wilderness. इसी के अंदर हम और अध्ययन करेंगे जायंट्स के ऊपर, दैंतों के ऊपर। ये दैंत कौन है, ये जायंट कौन है, ये बड़े बड़े देह वाले लोग कौन थे? ये बाइबल के अंदर ऐसे लोगों का जिक्र है जो 10-10, 12-12, 14-14 फुट लंबे थे। हनोक की पुस्तक में ट्रीज, वृक्षों के जितने लंबे लंबे लोगों का जिक्र भी है। बाइबल में यशाया नबी की पुस्तक और नबियों की किताबों में ऐसे लोगों का जिक्र भी है जिनके आधे शरीर शेर की तरह थे और बाकी शरीर इंसानों की तरह थे। बाइबल में ऐसे लोगों का जिक्र भी है जो होराइट है, जो यहां पे मेंशन किया गया है, वो रिच की तरह है बंदे, पूरा उनका देह बॉडी रिच की तरह है, बेर की तरह है, मनुष्य को फाड़ के खा जाते थे ये लोग। ये सारे मिक्स्ड ब्रीड है, सटैनिक ब्लड है, ये मिक्स्ड रेसेस हैं, ये डीएनए की टेम्परिंग है जो जेनेसिस चैप्टर नंबर 6 में की गई। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में ह्यूमन डीएनए को टेम्पर किया गया, बिनाए हा एलोहीम, वो जो वॉचर थे उन्होंने औरतों के संग संबंध बनाया जिससे नफाल पैदा हुए, नफलीम इज अ हिब्रू वर्ड, फॉलन वंस। और नफलीमों ने फिर जब औरतों के संग संबंध बनाया तो गिबरीन पैदा हुए और उन्हें लैटिन में जिगंटिस कहा गया, जहां से जायंट वर्ड निकलता है। तो आप यहां पढ़ें इसमें क्या लिखा है, जो मैंने आपके लिए पढ़ा 5वां वचन, इन द 14th ईयर किडोर लाउमर एंड द किंग दैट वर विद हिम केम एंड डिफीटेड द रफाइम। ये कौन है भाई और बहनों? रफाइम कहां रहते हैं? ये एश्तोरेथ करनीम। एश्तोरेथ कौन है? ये गॉडेस है। एश्तोरेथ के ऊपर आपको मैं और स्टडी दूंगा। एश्तोरेथ करनीम एंड जुजुईम, ये जुजुईम कौन है?
ये दैंत हैं, ये मनुष्य नहीं है, ये आधे मनुष्य हैं और आधे फॉलन क्रीचर्स हैं। जुजुईम है, हैम में, और इमीम ये एक अलग श्रेणी है इन फॉल इन बड़े बड़े दैंतों की। रफाइम है, जुजुईम है, इमीम है, ये इन इन शबेख क्रियाथीम एंड होराइट, ये इमीम अलग हैं। होराइट कौन है? ये होराइट हैं जो होर पहाड़ पे रहते हैं, रिच की मानंद है ये लोग। ये बड़े बड़े दैंत थे। मनुष्य के डीएनए को शैतान करप्ट क्यों करना चाहता था? क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने अदन के बाग में यह वायदा किया था कि इंसान का डीएनए जो औरत का बीज कहलाएगा वो शैतान के बीज के सर को कुछ देगा। तो शैतान ने यह सुना, नखाश ने सुना कि औरत का बीज आके मेरे सर को कुछ देगा, तो उसने औरत के बीज को करप्ट करना चाहा कि अगर इंसान के सील को, डीएनए को मैं मिक्स कर दूंगा, ब्लेंड कर दूंगा, मिला दूंगा आपस में, तो मेरे को मारने वाला कोई नहीं होगा। तो उसने उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में एक बहुत बड़ी अटेम्प्ट की। बाइबल में लिखा, वो जो वॉचर थे वो हरमन पहाड़ पे उतरे, जिसके विषय में आप पढ़ सकते हो हनूक की पुस्तक में, जशर की पुस्तक में, जुबली की पुस्तक में। ये एक्स्ट्रा कैनोनिकल बुक्स हैं और इनमें आपको बहुत भेद मिलेंगे कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे ये सब कुछ हुआ। तो ये जो बंदा है जिसका नाम निमरोद है, ये इतना बड़ा कैसे बन गया, दैत कैसे बन गया, खलाल कैसे कर लिया इसने, अपनी एपिजेनेटिक्स के द्वारा अपने डीएनए को ट्रांसम्यूटेट कैसे कर लिया इसने, कैसे इसने पृथ्वी की कौमों को इकट्ठा किया और यहोवा के विरुद्ध में बलवा किया इस बंदे ने। ये देखिए 14 अध्याय में आप क्या पढ़ रहे हो। 14 अध्याय में ये सारे दैत हैं, रफाइम दैत लोग हैं, जुजुईम दानव है, इमीम दानव है, होराइट लोग दानव है। सुन रहे हैं आप, ये युद्ध हुआ, एक 5 राजा इस तरफ हैं, 4 राजा एक तरफ हैं। ये आपस में लड़ रही हैं दो कौमें। 10 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ोगे आप तो उसमें आपको मिलेगा शेम, हाम, यफे, नू के 3 बेटे हैं। नू के 3 बेटों में से आगे 70 बेटे पैदा होते हैं। 70 आगे, जो नू के 3 बेटों में से 70 आगे उसकी लाइन निकलती है, 70 families निकलती हैं। वो 70 family पृथ्वी को भरती हैं। पृथ्वी के ऊपर प्रभु यहोवा ने क्या कहा था आदम के बाद में, आदम से प्रभु यहोवा ने कहा था फलो फूलो और पृथ्वी को भरो। प्रभु चाहता था पूरी पृथ्वी, उत्तर से लेके दक्षिण, पूर्व से लेके पश्चिम तक मनुष्य उसमें बस जाए। लेकिन निमरोद ने क्या किया, निमरोद ने शिनार में आके सबको इकट्ठा किया, और शिनार में वो क्या बना रहा है, जिगरोट बना रहा है। आपको मालूम इसके ऊपर मॉडर्न रिसर्च की गई, बहुत से लोग ये मानते हैं कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था, उसने इराक पे जब अटैक किया तो उसकी वजह कुछ और थी। वो शिनार में गए, यही जगह जो मैं आपको बता रहा हूं, इस जगह गए अमेरिकन फौजी। अब ये मुझे नहीं मालूम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये सच्चाई है इसमें या नहीं है, लेकिन मैंने पेपर वर्क पढ़ा है कि शिनार में एक जगह थी जहां पे इसके रिमेन है जिगरोट के। ये जिगरोट जो ये बुर्ज बना रहे थे, ये स्टार गेट था, ये पोर्टल था, यहां से यहां पे ट्रांसपोर्टिंग डिवाइस थे, यहां से लोग दूसरी दुनिया में जा सकते थे। इस पृथ्वी पे बहुत से पोर्टल है जिसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे आने वाले समय में, जहां पे दूसरी दुनिया में लोग ट्रेवल करते थे। स्टार गेट जो था वो एक डिवाइस था जिसको कमर वो मिल गया। मुझे ऐसा मैंने पेपर वर्क में पढ़ा कि 500 अमेरिकन सोल्जर वैनिश हो गए उस स्टार गेट को प्रॉपर यूज करने की टेक्नोलॉजी नहीं मालूम। तो पृथ्वी पे ऐसी जगहें हैं जहां पे शैतानी एनर्जी बहुत ज्यादा है, ऐसी जगहें हैं जहां पे पोर्टल खुले हुए हैं शैतानी दुनिया के, ऐसी जगहें हैं जहां पे लोग जाके जादूगरी करते हैं, रिचुअल करते हैं, वहां पे विचेस जाती हैं, वार्डलॉर्ड जाते हैं, वहां पे जादूगर जाते हैं, वहां पे ऑकल्ट किया जाता है, विचक्राफ्ट किया जाता है, वहां पे उन आत्माओं को समन किया जाता है। ये वास्तविक है, ये बातें सुन लीजिएगा गौर से। हालेलुया। तो 14 अध्याय में ये बड़ा तगड़ा संग्राम है।
देखिए, खुदा का बंदा जिसका नाम इब्राहिम है, हमारा पुरखा, वो अपने साथ 318 लोगों को लेके जाता है और ये इतनी बड़ी फौज को हरा देता है। आपको मालूम, ये हाम का कबीला और शेम का कबीला दोनों लड़ रहे हैं। हाम में से कौन है? बीरा जो सदोम का राजा है वो हाम के गोत्र से है, बिरशा जो गमोरा का राजा है हाम के, वो गमोरा से है, हाम के कबीले से। शिनाब जो अदमा का राजा है वो भी हाम के कबीले से है। शिमिम्बिर जो कि जोबीम का राजा है वो भी हाम के कबीले से है, और बेला जो जुआर का राजा है वो भी हाम के कबीले से है। अब इधर आ गए चार राजे हैं, अमराफेल, एरियोक, किडोरलामोर और टीडाल। ये जो राजे हैं, एक शिनार का राजा है, अलसार का राजा है, इलाम का राजा है जिसे हम पर्शा कहते हैं, और चौथा किंग ऑफ नेशंस है। ये जो है शिमाइट है, शेम का कबीला है। तो इब्राहिम 318 लोगों के संग, आपको मालूम इब्राहिम जो था वो ऐसे जगह जगह भटकने वाला, बियाबान में जगह जगह, जंगलों में जगह जगह तंबू लगाने वाला मवेशी नहीं था जो जानवरों और डंगरों को लेकर चला करता था। इब्राहिम खुदा का बहुत मसा बंदा था। इब्राहिम आर्मी का जनरल था। इब्राहिम ने 318 बंदे तैयार किए, केवल छोटी सी फौज थी उसके पास, लेकिन इतनी ताकतवर फौज थी कि 318 बंदे उस बड़ी लड़ाई में जीते हुए 5 देश के राजाओं को, उनको कुचल के सब कुछ लूट के वापस ले आए, लूट को छुड़ा के और जो कुछ धन दौलत था सब कुछ लूट के ले आए। इब्राहिम वॉज एन एंटरप्राइज, इब्राहिम वॉज अ होल्डिंग, इब्राहिम वॉज नॉट जस्ट अ जिप्सी रोमिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, ही वॉज अ जनरल, ही वॉज अ ग्रेट एंड अ माइटी मैन, ही वॉज अ ग्रेट एंड अ वेल्दी पर्सन। इब्राहिम वॉज अ ग्रेट स्ट्रेटजिस्ट, इब्राहिम वॉज अ मैन हु नो वॉर, हु नो द इंटरनेशनल ट्रीटीज, हु अंडरस्टूड द वर्ल्ड अराउंड हिम। छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था इब्राहिम। वो गया और 318 लोगों के साथ जंग जीत के आया और सब कुछ लूट के ले आया। जब वो वापस आता है तो उसे कौन मिलता है? 14 अध्याय में उसे मिलता है मलकीज़ेदेक। हालेलुया भाई और बहनों, उसकी भेंट होती है मलकीज़ेदेक से। मैं ये जो सीरीज है मिस्ट्री बेबीलोन की, ये कंटिन्यू करूंगा। हम कई सेशन होंगे इसके, मे बी 10 सेशन होंगे, 10 घंटों में ये टीचिंग पूरी होगी। तो आप ध्यान से सुनना है सारी शिक्षा को। ये मलकीज़ेदेक कौन है? बहुत इसके ऊपर तरह तरह की शिक्षा आ रही है, अमेरिका से भी, अफ्रीका से भी। बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें बताते हैं। मैं बताना चाहता हूं मलकीज़ेदेक कौन है। मलकीज़ेदेक, यही ब्लू वर्ल्ड है। मलक राजा, ज़ेदेक धार्मिकता, राइचियसनेस, किंग ऑफ राइचियसनेस, और इसे कहा गया किंग ऑफ सेलम भी कहा गया। ये जो राजा है ये बड़ा अद्भुत राजा है। ये याजक भी है, ये एल लियोन का याजक है, यहोवा का, जो प्रभु का प्रभु और राजाओं का राजा है, उस महाप्रतापी परमेश्वर का याजक है ये। इसका नाम है मलकीज़ेदेक, मलाख ज़ेदाक, किंग ऑफ राइचियसनेस एंड किंग ऑफ पीस। शांति का राजा भी है और धर्म का राजा भी है। जैसे अपने देश में लोग कहते हैं धर्मराज, ये दोनों है। और ये क्या करता है? ये इब्राहिम को मिलता है। अब देखिए, इब्राहिम जब आता है, ध्यान से देखिएगा 14 अध्याय का 8 वचन। देन किंग ऑफ साडम, किंग ऑफ गमोरा, किंग ऑफ अडमा, किंग ऑफ जोबीम, किंग ऑफ बेला वेंट आउट एंड दे जॉइंट बैटल इन द वैली। अच्छा, इससे आगे चलते हैं, हम थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, इससे आगे चलें। इसका हम पढ़ते हैं 14 का 17 वचन पढ़ते हैं। आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम डिफीट ऑफ Kedor Laomer and the kings who were with him, the king of Sodom went out to meet him in the valley of Shavei, that is the king's valley. And Melchizedek, king of Salem. अब उसका दूसरा नाम है मलकीज़ेदेक, है मलाख, मलक ज़ेदेक, धार्मिकता का राजा। लेकिन उसका दूसरा नाम भी है
किंग ऑफ शालोम, शांति का राजा, वो धर्म और शांति दोनों का राजा है। और क्या है, क्या लिखा है आगे, यहां पे आगे क्या लिखा है, हालेलुया, पढ़िए आगे। एंड मेलकीसेदेक किंग ऑफ सैलम ब्रॉट आउट वाइन, ब्रेड एंड वाइन, और क्या लिखा है, ही वॉज प्रीस्ट ऑफ गॉड मोस्ट हाई, वो किसका, एलोहिम एल लियोन, ये नाम दिया गया परमेश्वर का, एलोहिम एल लियोन का याजक है कौन, मेलकीसेदेक, हालेलुया। भाई और बहनों, कुछ लोग कहते हैं मेलकीसेदेक शेम है, जो कि नू का बेटा था, मेलकीसेदेक शेम है, ये टीचिंग बहुत अमेरिका से आ रही है कि मेलकीसेदेक शेम है, लेकिन भाइयों बहनों, शेम की तो जीनियोलॉजी दी गई है, इब्रानियों की पत्री 7:3 में शेम के माता पिता का नाम है, यीशु मसीह की जीनियोलॉजी में इसका जिक्र है, तो ये कौन है मेलकीसेदेक, इब्रानियों 5:7 पढ़िएगा और उसे यशायाह 32:17 के साथ कंपेयर करें, इब्रानियों 5:7 को यशायाह 32:17 के संग कंपेयर करें, ये जो व्यक्ति है मेलकीसेदेक, भाई और बहनों, इसकी कोई वंशावली नहीं है, इसके माता का नाम नहीं है, इसके पिता का नाम नहीं है, इसके दादा का नाम नहीं है, इसकी दादी का नाम नहीं है, इसके नाना इसकी नानी का नाम नहीं है, इसके परदादा परदादी का, परनाना परनानी का नाम नहीं है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसकी कोई जीनियोलॉजी नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों 5:7 इसको यशायाह 32:17 के संग कंपेयर करें, कुलुसियों 1:20 पढ़ें, रोमियों 3 पढ़ें पूरा, और जबूर 110 पूरा पढ़ें, ये मेलकीसेदेक के ऊपर है, इसके ना दिन है ना दिनों का अंत है, ना शुरुआत है ना अंत है, ना इसके पुरखों के नाम है, ये अद्भुत है, पारलौकिक है, ये अनंतता को दिखाता है, इटर्निटी को दिखाता है, और ये प्रकट होता है जब जी चाहे तब प्रकट होता है मेलकीसेदेक, और ये महान परमेश्वर एल लियोन का याजक है, परमेश्वर और हमारे बीच में आने वाला है ये व्यक्ति। याजक का काम क्या होता है, वो परमेश्वर और मनुष्य दोनों के बीच में बिचौला होता है, बीच में आने जाने वाला होता है, तो ये स्वर्ग जाता है, स्वर्ग से नीचे आता है, नीचे से स्वर्ग जाता है, मेलकीसेदेक। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो सेलेशियल बीइंग है, क्या ये कोई दूत है, बिल्कुल नहीं, ये दूत नहीं है, क्योंकि लिखा ये मनुष्य है, ही इज अ मैन, जो वचन मैंने आपको दिए वहां पे इसे मैन कहा गया, ये मनुष्य है। भाइयों बहनों, ये प्री इंकार्नेट क्राइस्ट है, यही प्रभु यीशु मसीह है, यीशु मसीह मरियम की कोख में दे लेता है आज से 2000 साल पहले, लेकिन उससे पहले भी उसकी एक जलाली दी है, यीशु मसीह मरियम की कोख में नहीं जन्मा, यीशु मसीह अनंत है, यीशु मसीह इटर्नल है, यीशु मसीह की कोई पैदाइश नहीं है, यीशु मसीह का कोई आदि नहीं है, यीशु मसीह की कोई शुरुआत नहीं है, यीशु मसीह की कोई बिगिनिंग नहीं है, वो आदि और अंत है, वो अनंत है, वो अजन्मा है, अगोचर है, अमोघ है, उसकी कोई शुरुआत नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है, वो इटर्निटी से परे है, इटर्निटी अनंतता भी उसके अंदर वास करती है, टाइम एंड स्पेस भी उसके अंदर और अनंतता भी उसके अंदर वास करती है, वो विराट है, महाप्रतापी है, सृष्टि का रचिता है, ब्रह्मांड का तारण हारा है, सकल ब्रह्मांडों को अपने मुंह के वचन से थाम के रखता है, हालेलुया, वो हालेलुया अनादि परमेश्वर, यहूदा के गोत्र का बब्बर शेर, हालेलुया, सृष्टि का रचिता, स्वामी प्रभु, मार्ग जीवन और सत्य, जगत का उजियाला, भेड़ों का सच्चा गडरिया जो भेड़ों के लिए जान देता है, जीवन के जल का सोता है वो, हालेलुया, ही इज मेलकीसेदेक, वो है मेलकीसेदेक, हालेलुया। इब्रानियों 7:11 पढ़िएगा, ही इज टाइप ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, मेलकीसेदेक, इब्रानियों 7:11, हालेलुया। पढ़ें एक वचन, इब्रानियों की पत्री 7:11 पढ़िएगा, इब्रानियों 7:11 सुने, नाउ इफ परफेक्शन हैड बीन अटेन्ड थ्रू द लिविटिकल प्रीस्टहुड फॉर अंडर इट द पीपल रिसीव द लॉ बट फर्दर नीड वुड देयर हैव बीन फॉर अनदर प्रीस्ट टू अराइज आफ्टर द ऑर्डर ऑफ मेलकीसेदेक rather than a name after the order of Aaron, for
ये जो है ये यीशु मसीह है। पढ़ें आप आगे, अगर ये सारे वचनों को पढ़ेंगे, दिस 15 वचन, दिस बिकम्स इवन मोर एविडेंट विद अनदर प्रीस्ट अराइजेस इन द लाइकनेस ऑफ मेलचीज़ेदेक, हु हैज बिकम अ प्रीस्ट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट कंसर्निंग बॉडली डिसेंट बट बाय द पावर ऑफ एन इंडिस्ट्रक्टेबल लाइफ। जो जीवन मेलचीज़ेदेक का है वो इनडिस्ट्रक्टेबल जीवन है, और यीशु मसीह उसी के स्वरूप पे महायाजक है। यीशु मसीह हारून के स्वरूप पे महायाजक नहीं है, यीशु मसीह मेलचीज़ेदेक के स्वरूप पे महायाजक है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो भाइयों और बहनों, मैं जो शिक्षा है इसके ऊपर शाम को 6 o'clock फिर हम इसी शिक्षा को कंटिन्यू करेंगे। मैं इसकी बहुत डिटेल में आपको लेके जाऊंगा और मैं आपको एनकरेज करूंगा यीशु मसीह के नाम में, बल्कि आग्रह भी करूंगा कि आप इसके नोट्स बनाइए, लिखिएगा ये सब कुछ। मैं पूरी हिस्ट्री में आपको लेके जाऊंगा और हम 6 o'clock फिर अध्ययन करेंगे इसके विषय में और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आई विल टेक अ ब्रेक फ्रॉम यू। द लॉर्ड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।